पार्ट वन में मैंने 92 तक आंसर अपलोड कर दिए हैं। पार्ट टू में हम 93 से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चंस को देखेंगे। अष्टकथन और उसके रीजन दिए गए हैं और आपको बताना है कि दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही है या एक सही है दूसरा गलत है। अबुल फजल के बारे में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजनिंग भी सही है, ठीक है। जिसका सही उत्तर होगा ए, 93 का ए। 94 का सही उत्तर है डी, यानी दोनों का दोनों गलत है। 95 का सही उत्तर है बी। ये तीन प्रश्न थे, अब आ जाते हैं 96 का सही उत्तर होगा पी इक्वल टू पी टू पी वन, यानी 96 का ए। 97 प्रश्न का सही उत्तर है डी, एक और दो। अब मैं सारे प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रश्न आपके सामने हैं, आप इसे देख लेंगे। 98 प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है। 98 का सही उत्तर है प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है। 99 का सही उत्तर है सी, 2 सेंटीमीटर। जो आपका 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अप केंद्रीय तथा अप संचरी है। इसका सही उत्तर है ए, घर्षण बल। 101 का सही उत्तर है कॉपर कार्बोनेट, यानी 101 का ए। 102 का बिना बुझा हुआ चूना बी। 103 का डी, वायु। 104 का प्रश्न का सही उत्तर है बी, भौतिक अपक्षय। 105 प्रश्न में आपसे पूछा है प्रमाणित कोयला निचलों के घटते क्रम में आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यानी बी। अब आते हैं 106 प्रश्न से। 106 प्रश्न का सही उत्तर है एक, दो और तीन। बहुत जगह पे 106 का सही उत्तर बताया गया है एक और दो, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है कि रिक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती, ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि थियोरेटिकली इसकी कोई भी ऊपरी सीमा नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम जो भूकंप आए हैं वो 9 तक आए हैं, इसलिए 106 का सही उत्तर होगा डी। 107 के सही उत्तर है सीओ धारा, सी गर्म धारा है। 108 का सही उत्तर है डी, 24 घंटे 52 मिनट। 109 का सही उत्तर है कैल्शियम फास्फेट, जो दांत इनामेल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। 110 का सही उत्तर है G1 इज लेस देन G2। 111 का सही उत्तर है बी, वायुमंडलीय अपवर्धन। 112 का सही उत्तर है VA इज ग्रेटर देन VB और VB इज ग्रेटर देन VC। 113 प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1 dyne = 10^-5 kg/s². 114 का सही उत्तर है सी, यानी CD और AB। 115 का जो राइट आंसर है वो है सी, सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। 116 ब्लैक होल के बारे में सवाल पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है सी। 117 का सही उत्तर है ए, 32। 118 सबसे लिस्ट कौन से कलर जो है डेविएट होती है, तो इसका सही उत्तर है रेड। 118 का बी, और सबसे ज़्यादा डेविएट होती है नीला कलर, ठीक है। इसके बाद 119 लिगो का फुल फॉर्म पूछा गया है, लेजर, इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव, ऑब्जर्वेटरी, यानी 119 का ए। 120 का सही उत्तर है ए, चालक और निम्न गलनांक होना चाहिए। 121 का सही उत्तर है सी, तमिलनाडु।
122 का सही उत्तर है डी लक्षद्वीप। 123, निम्नलिखित में से किसे पोलर फ्रंट थ्योरी से अनिवार्य रूप से संबंधित कहा जाता है? 123 का सही उत्तर है सी शीतोष्ण चक्रवात। याद रखेंगे कि हम लोग सेट नंबर ए डिस्कस कर रहे हैं। 124 प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी कि जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले से ही विद्यमान था। 125 का सही उत्तर है डी, राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व एवं उन पर नियंत्रण रखेगा। 126 का सही उत्तर है सी, बाग्राम का युद्ध व ग्राम का युद्ध। 127 का सही उत्तर है केवल एक, यानी न्यू मॉडल यूनियन 1885 के दशक में गठित की गई थी। 128 का सही उत्तर है ए, यूएसएसआर का परिरोधन। 129 का सही उत्तर है ए, केवल एक सही है। 130 का सही उत्तर है डी लेलिन। 131, किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी संस्तुति से हटाया जा सकता है? तो 131 का राइट उत्तर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि बी। 132 का राइट आंसर है डी, स्थायी निकाय है किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले से ही विघटित किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट राज्यसभा के बारे में गलत है। इसके बाद 123, कौन प्राधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है? तो इसका सही उत्तर है 133 का ए, यानी कि अनुच्छेद 19। 134 का राइट आंसर है 1826, यानी कि ए। मनुस्मृति में एक अविवाहित तो उसके प्रेमी से स्वैच्छिक मिलन किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो आपको पता है कि 8 तरह के विवाहों का वर्णन किया गया है, इसमें 5वें श्रेणी में आता है गंधर्व विवाह। इसके बाद 136 प्रश्न का राइट आंसर है आप इसे एक बार देख लेंगे, उसे मेरे अनुसार इसकी राइट आंसर होने चाहिए सी। 137 इम्बैक्स इंडिया और म्यांमार, तो 137 का राइट आंसर है डी। 138 प्रश्न का राइट आंसर है नीलम शरण गौर, यानी कि ए। 139 प्रश्न का राइट आंसर है सी सुशील मोदी। 15वां प्रवासी भारतीय ये वाराणसी में हुआ था, तो 140 का डी। 141 यूनेस्को ने किसे वास्तुशिल्प के लिए सार घोषित किया था? रियो द जेनेरियो। 142 का सही उत्तर है सी, सॉरी 182 का सही उत्तर है ए ऋषभ पंत। 143 होजियर बंदूक जो सबसे पहले यूनिट खुली है वो हजीरा में खुली है। 144 का सही उत्तर है डी, केवल 3 सही है। ठीक है, आप इसे मिलान करके देख लेंगे, जो नील आइलैंड था उसका नाम शहीद रखा गया था, यानी ये भी गलत है। इसके बाद 145 का राइट आंसर है नज़ीर अहमद वानी को मिला था अशोक चक्र 2019 में। इसके बाद 146 का सही उत्तर है बी। 147 का सही उत्तर है डी, यह हृदय की वैद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है। 148 का सही उत्तर है बी, पेंसिलिन प्रतिरोध जीवाणु इस प्रतिजैविक को बी लैक्टोजेम नामक एंजाइम द्वारा निम्नीकृत कर सकते हैं। वन हंड्रेड फोर्टी नाइन का सही आंसर है सी, और 150 इसका भी सही आंसर है सी। यह एक रोग है जो कि संदूषित खाद्य या जल के सेवन से होता है, हैजा के बारे में स्टेटमेंट है। तो ए रहे 150 प्रश्नों के उत्तर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।